नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नहाने के पानी में डाल दे यह चीज, जन्मों की गरीबी, दरिद्रता तथा परेशानी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, शुद्ध अमृत के समान माना जाता है। अमृत से भी उच्च स्थान जल का होता है। जल हमारे धर्म का एक प्रमुख देवता है, जिसे हम वरुण देव के नाम से जानते हैं। तो नहाने के पानी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे डालने से हमारी गरीबी मिटेंगी, हमारे निर्धनता मिटेंगी, हमारे बीमारी समाप्त हो जाएंगे तथा किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के जो बाधा है वह भी समाप्त हो जाएंगे। यह जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2 से 2.5 मिनट का बनने वाली है वीडियो। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी मन में क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो शास्त्रों के माने तो पहला चीज है हींग। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति नहाने के पानी में हींग डाल करके स्नान करते हैं तो यह ग्रह दोष, भूत प्रेत की व्याधा को दूर करने के लिए इसे उत्तम औषधि माना जाता है। ये शनि एवं राहु जैसे जो निज ग्रह हैं, इसके कुप्रभाव से भी हमें बचाता है, कुप्रभाव को समाप्त करता है। जिन्हें शनि सती, अढ़ैया या भूत प्रेत व्याधा सताती हैं, ऐसे व्यक्ति हींग डाल करके अवश्य स्नान करे। और हाँ, इस उपाय से आकस्मिक उन्नति भी होता है। और डाल करके जो है पानी में स्नान करते हींग को, तो आप खुद देखना आपके जीवन में प्रगति आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा चीज है लौंग। जी हाँ मित्रों, ऐसा माना जाता है कि 7 अगर फूल वाला लौंग डाल करके नहाने के पानी में शनिवार या फिर मंगलवार के दिन स्नान करें तो भयंकर से भयंकर शनि पीड़ा शांत हो जाता है एवं जो भी कार्य है उसमें आपको तरक्की मिलेंगी। जीवन में जो भी आप कार्य करें जिसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रहे, बाधा मिल रहे हैं, वह कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे, किसी न किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो, सारे परेशानी स्वतः इस उपाय को करने के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरा है तुलसी की मिट्टी। जी हाँ, तुलसी पवित्र देवी है या भगवान कृष्ण की पत्नी है और इसे माता के दर्जा हिंदू धर्म में देते हैं। इस नाते अगर पवित्र मन से धन की कामना करके तुलसी की 5 पत्ते नहाने के पानी में या फिर स्नान करने के पानी में डाल करके स्नान किया जाए तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है, कुंडली में धन योग बनता है, क्योंकि तुलसी को भी लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। चौथा चीज है बरगद। जी हाँ मित्रों, बरगद, पीपल, गुलर, मदार एवं कनेर, ये पौधे के दूध डाल करके, ये जो 5 पौधे हैं इसके दूध डाल करके नहाने के पानी में अगर आप इसके दूध डालते हैं और अगर स्नान करते हैं तो बड़ी से बड़े परेशानी, ग्रह दोष, पितृ दोष एवं अन्य प्रकार के जो दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं तथा पीपल से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, बरगद के दूध से शिव की प्राप्ति होता है, कनेर के दूध से स्नान करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होता है और गुलर से 9 देवियों का कृपा प्राप्त एवं मदार से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होता है। इससे हमें जो है काफी हमें तरक्की मिलता है। अगर हम इसे बरगद, पीपल, गुलर, मदार और कनेर का दूध डाल करके स्नान करते हैं तो सभी प्रकार के ग्रहों की पीड़ा, किसी भी प्रकार के जो दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। प्राचीन ज्ञान की यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।